हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ अलमा। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैन अंडर स्कर्ट या पेटीकोट। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बॉल गाउंस काफ़ी फ्लोई लगते हैं, सो वो उसका रीज़न होता है उसके अंदर कैन स्कर्ट पहनी जाती है ताकि जो बॉल गाउन का जो फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा लगे एंड काफ़ी फ्लोई सा लगे। सो मैं आपके साथ जो आज कैन स्कर्ट का शेयर कर रही हूँ या रिव्यू कर रही हूँ उसे मैंने बाय किया है विश से। तो जैसा कि क्लब फैक्ट्री पे जो प्राइजेज होती हैं अप डाउन होती रहती हैं, उसी तरह विश पर भी प्रोडक्ट्स की प्राइस अप डाउन होती रहती हैं। तो मैंने जब इसे बाय किया था तो इसकी प्राइस थी 1820 रुपीज़। सो मैंने इसे बाय किया है अपने बॉल गाउन के लिए, तो जो कि बॉल गाउन मैंने बाय किया है क्लब फैक्ट्री से, जिसका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो मैं उसके साथ इसे भी पहनूंगी उसके अंदर, तो आपको लग जाएगा इसका आइडिया कि कितना फ्लोई सा है। तो आज जो ये कैन स्कर्ट है इसमें टोटल 8 लेयर्स हैं कैन की। सो मैं अभी आपको वो काउंट करके बता दूंगी। तो फर्स्ट में अब स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो ये मुझे कुछ इस तरह के पैकेट में रिसीव हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी हैवी एंड फ्लोई है। सो अब करते हैं इसका रिव्यू। तो इसके जो वेस्ट है वो इस तरह की है, तो आप देख सकते हैं इसमें इलास्टिक लगा हुआ है जो आपके कमर वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसके अंदर जो ये जो चिपकने वाला होता है वो भी लगा हुआ है। एंड इसके अलावा भी इसमें ये डोरी दी गई है जो कि आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो इसकी मैक्सिमम वेस्ट दी गई है मैक्सिमम 40 वाले को ये फिट होगा, इसके ज़्यादा वाले को फिट नहीं होगा। 40 से ज़्यादा वाले हैं वो इसके साथ अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका वेस्ट का। एंड हम बात करते हैं इसके जो कैन है उसका, तो इसके कैन कुछ इस तरीके की है, जैसे कि आपने अभी नेट का फैब्रिक देखा होगा, बट ये उस नेट के फैब्रिक से काफ़ी कड़क होता है या बहुत ज़्यादा टफ होता है, जो आपके फ्लैट को काफ़ी फ्लोई बनाता है। तो ये काफ़ी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का फैब्रिक होता है कैन का। कैन भी कई तरह की आती है, इसमें जो नेट है वो बारीक नेट यूज़ की गई है और मोटी नेट भी आती है जिसमें बड़े बड़े अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती कि काफ़ी तरह की कैन आती है, बहुत तरह की कैन आती है, बट ये जो है इसे बारीक वाली कैन यूज़ की गई है। ये काफ़ी कड़क होती है तो इससे बहुत फ्लेयर जो है फ्लफी होता है। सो मैं इसकी काउंट करके बताती हूँ आपको, ये फर्स्ट फ्लेयर, देन सेकेंड लेयर, देन हमारे पास है थर्ड लेयर, देन हमारे पास है फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, सेवन्थ लेयर एंड ये है एट लेयर। तो ये तो टोटल हुई कैन की 8 लेयर। एंड ये जो नेक्स्ट है 9th जो लेयर है वो है इसका लाइनिंग का फैब्रिक। तो टोटल मिला के इसमें 9th लेयर हैं, बट अगर कैन के लेयर की बात करें तो इसमें टोटल 8 लेयर्स हैं। एंड ये काफ़ी फ्लफी है, तो मैं भी आपको ट्राई करके दिखा दूंगी ये किस तरह का फ्लेयर है। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स इसको अपने बॉल गाउन के साथ वेयर करके बताऊँगी कि किस तरह का लुक देती है। तो ये तो हुई हमारी कैन अंडर स्कर्ट की बात फॉर बॉल गाउंस। अगर हम बॉल गाउंस की कैन के लिए हम बात करें तो इसमें दो तरह की कैन अंडर स्कर्ट आती है, एक तो जो मैंने आपको बताई है जिसमें कैन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दूसरी होती है हुप वाली। उसमें जो अगर बॉल गाउन के लिए मैं बात करूँ हुप वाली, तो उसमें सिक्स हुप वाली अंडर स्कर्ट होती है वो बेस्ट होती है बॉल गाउंस के लिए। बट मेरा मानना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो आपके घर से तो काफ़ी दूर होगी या दूर तो होगी ही, किसी व्हीकल में जाएंगे तो वो बैठने के लिए या आप उसमें ट्रैवल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। मैं दोनों ही कैन स्कर्ट्स की बात कर रही हूँ, ये कहीं ट्रैवल करने के लिए मुश्किल होती है, बट मुझे ज़्यादा मुश्किल लगती है हुप वाली, क्योंकि उसमें आपको पूरा जो उसमें हुप लगे हुए होते हैं पूरे जो सर्कल में हुप लगे हुए होते हैं उसके लिए उनका अपना स्पेस चाहिए होता है। तो आप कहीं उसमें ट्रैवल करोगे उसको वियर करके तो मुझे नहीं लगता आपको इजीली आप जा पाएंगे। एंड अगर आपको वो पहनना ही है तो आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच कर फिर आपको उसको बाद में वियर करना पड़ेगा, तभी आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। एंड रही इसकी बात, तो आप इसको एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लोई होती है। सो ये हुई हमारी
बॉल गाउन के लिए कैनकेन स्कर्ट की बात। अगर आप चाहते हैं कम फ्लोई वाली हो तो दोनों टाइप की जो हुप वाली होती है और कैनकेन लेयर वाली स्कर्ट्स होती हैं, तो दोनों में आपको कम फ्लेयर की भी मिल जाएगी। हुप वाली में अगर बात करें तो आपको 1 हुप 2 हुप 3 हुप एक्सेक्ट मिल जाएगी। एंड फ्लेयर जो कैनकेन की लेयर्स वाली बात करें तो इसमें भी आपको 2 लेयर 3 लेयर एंड 4 लेयर 5th लेयर में मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। बट आप अगर ये वाली बाय करनी है तो मैंने ये सर्च की थी क्लब फैक्ट्री पे, 8 लेयर वाली कैनकेन स्कर्ट अवेलेबल नहीं है। देन मैंने अमेजोन पे भी सर्च की थी बट मुझे नहीं मिली। हो सकता है शायद आपको मिल जाए क्योंकि अमेजोन पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हो सकता है नहीं मिली हो मुझे, बट मैंने सर्च किया था, मुझे उस पर भी नहीं मिली। तो मुझे ये विश से मैंने इसे विश से बाय किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं क्लब फैक्ट्री के गाउन का रिव्यू करूंगी। सो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।